आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। शिक्षा अभियान को सरकारी टीचर कुछ इस तरह परिदा लगा रहे हैं। जी हाँ, बिजनौर के उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में सुधार करने के भले ही लाख दावे करती रहे, लेकिन सरकार के इस अभियान को लेकर सरकारी शिक्षक इस अभियान को परिता लगा रहे हैं। इस कड़ी में बिजनौर और जनपद के मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक का प्राथमिक स्कूल नासरी में बच्चे पढ़ाई की जगह स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आए। इन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वहीं स्कूल की टीचर द्वारा इन बच्चों से स्कूल में साफ सफाई करी जा रही है। जी हाँ, स्कूल परिसर में झाड़ू लगाने के मामले को लेकर जब जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी महेश चंद से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों पर सफाई कर्मचारी ही नियुक्त हैं और इन्हीं सफाई कर्मचारियों को स्कूल में भी झाड़ू लगानी है। अगर किसी स्कूल टीचर के द्वारा स्कूल के झाड़ू लगाने जा रही है तो वो गलत है। मुझे स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने की शिकायत मिली है, मामले में जाँच करा के बड़ी कार्रवाई करूंगा। कौन सी मैडम है? संगीता मैडम। अच्छा, कोई यहाँ कोई सफाई कर्मी या प्रधान की तरफ से कोई नहीं रखा हुआ स्कूल में? सफाई कर्मचारी है। अच्छा, तो मैम ने कहा आपको? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? आपका सालू। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अच्छा, ये जो झाड़ू लगा रहे हो आप, किसने कहा आपको झाड़ू? कौन सी मैडम है? सीमा मैडम ने कहा। अच्छा, कोई स्वीपर या प्रधान की तरफ से कोई यहाँ सफाई कर्मी नहीं रखा हुआ? रखा हुआ, कभी कभी आ गया। अच्छा, तो आप ही लगाते हो झाड़ू में? अच्छा, गर्मी वगैरह जब होती है तो मैडम पंखा भी करा दिए आप? अच्छा, बर्तन वगैरह धुलवा दिए? बर्तन धुलवा दिए मैडम? अपने गिलास धुलवाती हैं। हमारे ग्राम पंचायत जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर सफाई कर्मचारी है, उनके द्वारा ही समस्त काम कराया जा रहा है और डीएम साहब द्वारा भी आदेश दिए जा चुके हैं डीपीआर को। हर ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा झाड़ूओं को सफाई पहले विद्यालय से स्टार्ट करते हैं, तब पूरे गाँव में लगाते हैं। बाकी ऐसा कोई संज्ञान मामला आता है तो उसकी जाँच कराने काबिल की जाएगी।